नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके द्वारा आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके बच्चे का जो मार्गदर्शन है उसे ठीक तरह से किया जा सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के एग्जाम आते हैं तो बच्चों पे हैवीपन आ जाता है, यानी कि दिमाग पर जोर देना शुरू कर देते हैं जब उनके एग्जाम आते हैं। उससे पहले वे पढ़ते नहीं हैं और उसी की वजह से कभी कभी उनकी एकता भंग हो जाती है, उन्हें याद नहीं हो पाता और जिसकी वजह से उनके सर में दर्द या फिर उन्हें किसी न किसी शरीर के अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। जाने इस वीडियो के दौरान कि अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर ले तो उसकी वजह से आपके बच्चे की एकता में आने वाली प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करे और बहुमुखी कार्य करे, यानी कि किसी न किसी कार्य में अपना पार्टिसिपेट करे जिसकी वजह से उसमें एक जोशीलापन आए और उसकी वजह से उसमें काम करने की उत्सुकता भी जागे। इसलिए हम वास्तु दोष पे ज्यादा खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चों के पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए हम हमेशा वास्तु दोष का खास ख्याल रखते हैं। क्योंकि यदि हम वास्तु दोष से सारे कार्य करते हैं तो उससे हमारे कार्य सही से होते हैं और जिसकी वजह से कार्य हमेशा सही दिशा में होते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वह वास्तु दोष को दूर करने से भी चली जाती हैं। हर वास्तु दोष में कोई ना कोई दिशा निर्धारित होती है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि हमें किस दिशा में बैठना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए और किस दिशा में खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर पर, मन पर और हमारे तन पर, सभी पर फर्क पड़ता है। दिशा निर्धारित की होती है, यदि आप उसी दिशा में यह कार्य करते हैं तो उसके बहुत फायदे होते हैं और बेनिफिट इतने होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप वास्तु दोष के हिसाब से उस दिशा में बैठकर याद करते हैं जो दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपकी एकता भंग नहीं होगी और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी और जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप खास ख्याल रखें कि आप उत्तर से पूर्व की ओर की दिशा में बैठें और अपना कमरा या अपने बच्चों का कमरा हमेशा इसी दिशा में बनवाएं ताकि उस दिशा का जो इफेक्ट है वो बच्चे के मानसिक पर अच्छे से पड़े। माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से यदि आप इस दिशा में बच्चे का कमरा बनवाते हैं तो उस दिशा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के मन पर और दिमाग पर, जिसकी वजह से बच्चे की जो एकता भंग होती है वह कभी नहीं होगी। हमेशा उसे जब भी तैयारी करनी हो तो उसे हमेशा उत्तर से पूर्व की दिशा में ही बिठाएं, जिससे उसे अच्छे से याद होगा और उसके पेपर में या एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे का कमरा डिज़ाइन कर रही हों या फिर बनवा रहे हों तो उसके लिए आप उत्तर पूर्व दिशा ही चुनें। हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर की डिसाइड पहले से ही करना शुरू कर देता है। कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वह अपने बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग पहले से ही करना शुरू कर देती है ताकि उसके आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उसके फ्यूचर के लिए हमेशा ही तैयार रहे। तो इसलिए चाहे वह लड़का हो या लड़की, हमेशा माता पिता यही चाहते हैं कि वह अच्छा पढ़ लिख कर कुछ ऐसे वर्ग में काम करे जिससे कि उसकी ज़िंदगी संवर जाए। और इसलिए यदि आप चाहते हो कि बच्चा हर किसी कम्युनिकेशन स्किल में पार्टिसिपेट करे या फिर वाद विवाद में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप उसके लिए उसे पूर्व दिशा में ही कहें। अगर वह पूर्व दिशा की ओर जहाँ से सूरज उगता है उस दिशा में वह अपनी वाद विवाद की तैयारी करता है तो वह सबसे अच्छी और सबसे खास माना जाता है। उसके वाद विवाद की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने का तरीका है, वह भी सुधार आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्व दिशा को सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी उसी दिशा में करें। यदि आपके बच्चे का स्टडी रूम या फिर जहाँ बच्चा सोता है वह रूम आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ता है तो आप कोशिश करें कि उस कमरे में कोई भी खेलने की चीज़, गेम्स, बच्चों के मनोरंजन की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह बिल्कुल भी कमरे में ना रखें, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ें रखने पर बच्चों का ध्यान उसी साइड ही हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने में कम ध्यान देते हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बच्चे कहते रहो कि पढ़ते रहो लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान ही उन चीज़ों में लगा रहता है जो आसपास उसके कमरे में दिखाई देती हैं। इसलिए बच्चे का समय और टाइम हमेशा उन्हीं के साथ ज़्यादा बीतता है, तो आप कोशिश करें कि बच्चे के स्टडी रूम में या बच्चा जहाँ रहता है उस रूम में वहाँ पर कॉपी किताब रखें या फिर पढ़ने से रिलेटेड ही कुछ चीज़ रखें। जहाँ से ज्ञान मिलता है वही चीज़ें उस दिशा में रखें। ऐसा करने से बच्चे का ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा जिससे बच्चा याद करने के लिए प्रेरित होगा और बच्चे को अच्छे से याद भी होगा।
बच्चे का स्टडी रूम पूरब से पश्चिम में होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश ये रखें कि जिस साइड भी आप कुर्सी या टेबल जो पढ़ने का स्टडी है वह जिस तरह से भी रखें, लेकिन मुंह उसका पूरब की दिशा होना चाहिए। यानी कि आप पश्चिम इस तरह से उसके टेबल रखें जहाँ से आपकी पूरब की दिशा आती है, खिड़की से या कहीं से भी, वहाँ से आपकी पूरब की दिशा जहाँ पर पड़ती है उस साइड उसका चेयर होनी चाहिए, जिससे कि उसका चेहरा उसकी साइड पड़े, जिससे उसे बच्चे को पढ़ने में आसानी रहेगी और सूरज की प्रॉपर रोशनी भी उसको मिलेगी, जिससे उसे देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी आंखों में भी कोई पेन नहीं होगा, जिससे बच्चा याद भी करेगा और मेहनत भी करेगा। बच्चे के कमरे की डिज़ाइन करते हुए हमेशा खास ख्याल रखें कि आप बच्चों के कमरों में ऐसे कलर करवाएं जो बच्चों को ज़्यादा इफेक्टेड ना करें। यानी कि कभी कभी ऐसे रंग होते हैं जो डार्क होते हैं, डार्क होने की वजह से बच्चों की आंखों में चुभने लगते हैं, तो इसलिए आप जिससे बच्चों का पढ़ने में मन लगे। और आप खास ख्याल रखें कि बच्चा जहाँ सोता है तो कभी भी बच्चा इस तरह से ना सोए, उसका जो सिर है शौचालय की तरफ हो, क्योंकि शौचालय की तरफ जिस तरफ उसकी सर होगा तो उसकी वजह से उसका पढ़ाई पर से ध्यान हट जाएगा और आप कभी भी उसे उस चीज़ पर कभी नहीं ला सकते और ज़बरदस्ती कभी भी याद नहीं होता। कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप अपने वास्तुशास्त्र को देख सकते हैं और इससे आप अपने बच्चे के कमरे का डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा आपका पढ़ सके और एग्ज़ाम के टाइम पर उसके अच्छे मार्क्स से पास हो सके, जिससे आपका तो सर ऊंचा होगा ही और बच्चे को भी गर्व होगा, क्योंकि अगर आपका वास्तुशास्त्र अच्छा होगा तो उसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है वह चीज़ें अगर आप करते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो बच्चे का पढ़ने में एकता, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा और बच्चे के मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।